इस कहानी में एक साइको लड़की अपनी गुफा दिखाने के बहाने से लड़के के औजार को ही काट देती है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम डेनियल नाम के बंदे को देखते हैं जो स्मोकिंग कर रहा होता है, और गाड़ी में बैठे हुए दोस्त का नाम जेफ था। ये दोनों अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद इनकी दोस्त मैरी वहाँ पर आ जाती है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड रॉबी भी था। फिर ये लोग अपना सामान गाड़ी में रखने लगते हैं, तभी वहाँ पर जीना नाम की लड़की आ जाती है। फिर ये पाँचों दोस्त मिलकर वीकेंड मनाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और इनकी गाड़ी हवा से बातें करने लगती है। काफ़ी टाइम चलने के बाद ये लोग जंगल के पास पहुंच जाते हैं। फिर एकदम अचानक से इनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर लहराने लगती है। किसी तरीके से डेनियल गाड़ी को कंट्रोल करता है और सबकी जान बचा लेता है। इसके बाद सभी दोस्त बाहर निकल कर देखते हैं, इनकी गाड़ी का टायर फट गया था इसीलिए उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तभी जेफ और डेनियल मिलकर टायर बदलने लगते हैं और मैरी हल्का होने के लिए और पेड़ को पानी देने के लिए एक सुनसान जगह पर चली जाती है। वो जैसे ही पैंट कर पेड़ को पानी देने वाली होती है तभी उसके सामने एक आदमी गन लेकर आ जाता है। मैरी उसे देखकर डर जाती है और भागने लगती है। इसके बाद वो आदमी मैरी पर गोली चला देता है। उस गोली की आवाज मैरी के दोस्त भी सुनते हैं। एक्चुअल में उस आदमी ने वो गोली जानवर के लिए चलाई थी, लेकिन मैरी को लग रहा था वो आदमी उसे मारने वाला है और वो बहुत ज्यादा डर गई थी। इसके बाद वो अपनी दोस्तों की तरफ भागने लगती है और वो शिकारी अपने शिकार को उठाने लगता है। जब मैरी अपने दोस्तों को आकर सारी बात बताती है तभी वो लोग देखते हैं एक आदमी ट्रैक्टर से उनकी तरफ आ रहा है और उसके साथ उसकी बेटी भी होती है, वो शिकारी था। इसके बाद जब वो उनके पास आकर गाड़ी का फटा हुआ टायर देखता है तब वो कहता है मेरा नाम विल है और मैं जंगल में रहता हूँ। मैं और मेरी बेटी विनी अक्सर जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं। और वो मैरी से सॉरी भी बोलता है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। सॉरी बोलकर वो दोनों वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डेनियल टायर चेंज करता है और एक बार फिर से इनकी गाड़ी दौड़ने लगती है। कुछ टाइम के बाद इनकी गाड़ी एक गैस स्टेशन के बाहर रुकती है ताकि वो लोग फ्रेश हो सके। यहाँ पर पहले से एक कपल मौजूद था जिनका नाम मैक्स और रीटा था। ये कपल भी जंगल में वीकेंड मनाने के लिए जा रहा था, लेकिन इनकी बाइक में कुछ खराबी आ गई थी। मैक्स और रीटा अपने बारे में बताकर इन दोस्तों से लिफ्ट मांगते हैं। फिर मैरी और उसके दोस्त उन्हें लिफ्ट देने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर घने जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद उनकी गाड़ी एक घने जंगल में आकर रुकती है और सभी लोग गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ये लोग अपना सामान उठाकर जंगल में पैदल चलने लगते और टेंट लगाने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक अच्छी जगह मिल जाती है और सभी लोग अपना टेंट लगा लेते हैं। इसके बाद जेफ सभी को बताता है इस जंगल में एक अलग तरह के मशरूम पाए जाते हैं और वो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। जेफ की बात मानकर सभी दोस्त मशरूम ढूंढने लगते हैं। तभी जीना सबसे पहले मशरूम ढूंढ लेती है और सभी दोस्त मिलकर एक साथ मशरूम खाते हैं, लेकिन जेफ के अलावा वो किसी को भी खाने में अच्छे नहीं लगते। इसके बाद रात हो जाती है। इन लोगों ने जो मशरूम खाए थे वो थोड़े से जहरीले और नशीले थे। मैक्स और रीटा बातें कर रहे थे। इसके बाद रीटा को मैक्स का चेहरा अजीब सा लगने लगता है और जीना भी एक तरफ खड़ी होकर नाच रही थी और दूसरी तरफ मैरी को अजीब अजीब सी चीजें नजर आने लगी थी। और डेनियल टेंट से दूर जाकर पौधे को पानी दे रहा था। हल्का होने के बाद वो अपनी फ्रेंड्स की तरफ जा रहा था तभी रास्ते में कोई उस पर हमला कर देता है। वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और लड़खड़ाते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचकर बेहोश हो जाता है। डेनियल की हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर डेनियल के साथ क्या हुआ। यहाँ पर मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई थीं। फिर वो डेनियल के चेहरे पर पट्टी बांधते हैं और यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। जब सभी अपना सामान बांध रहे थे तभी अचानक से तूफान आ जाता है जिसकी वजह से ये लोग अपना ज़्यादा सामान नहीं ले पाते और अपना थोड़ा सा सामान लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे यहाँ से जाने के बाद डेनियल की जान बच सके। तूफान के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई थी जिसकी वजह से ये अपना रास्ता भटक जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा घर दिखाई देता है और ये उस घर में घुस जाते हैं। ये घर पूरी तरह से खाली था और ये सभी लोग इसी घर में रात गुजारने का फैसला करते हैं क्योंकि खराब मौसम की वजह से वो चाहकर भी अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच सकते। घर में आने के बाद ये लोग डेनियल को एक कमरे में लिटा देते हैं। कुछ देर के बाद सभी लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं। डेनियल की हालत देखकर मैरी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तभी मैक्स उसके पास आकर उसे समझाने लगता है, डेनियल को कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मैक्स की लवर रीटा उन दोनों को साथ में देखकर जल रही थी। फिर वो गुस्से में उस घर से बाहर चली जाती है। मैक्स भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। उन दोनों के जाने के बाद इन दोस्तों को लगता है ऊपर वाले कमरे में कोई है। फिर ये लोग उस कमरे को देखने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ मैक्स रीटा को ढूंढते हुए एक स्टोर तक पहुंच जाता है जो घर से कुछ ही दूरी पर बना हुआ था। जेफ और बाकी सब मिलकर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं था। नीचे आने के बाद अचानक से विल उनके सामने आ जाता है। जेफ विल से कहता है हमारा दोस्त डेनियल जख्मी हो गया था इसलिए हम गलती से यहाँ पर आ गए। उनकी बात सुनने के बाद विल कहता है परेशान मत हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये
घर मेरा ही है, तुम सब लोग यहाँ पर सेफ हो। मेरी बेटी विनी तुम लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। उसकी बात ख़त्म होते ही घर से अचानक लाइट चली जाती है। इसके बाद बिल फ्यूज़ देखने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ मैक्स भी उस स्टोर के अंदर चला जाता है जहाँ पर ये विनी को देखता है। तभी अचानक से घर में लाइट भी वापस आ जाती है। दूसरी तरफ विनी मैक्स को गर्म करके चुपके से उसके पैर में रस्सी बांध देती है। मैक्स को लग रहा था विनी अपनी गुफा के दर्शन कराने वाली है, इसलिए वो चुपचाप से लेटा हुआ था। विनी जैसे ही मैक्स के ऊपर बैठती है तभी मैक्स की नज़र उसके जले हुए चेहरे पर पड़ती है। विनी का चेहरा देखकर मैक्स बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी विनी मैक्स के दोनों हाथ बांध देती है और जल्दी से एक कपड़ा उसके मुँह में लगाती है और दूसरा कपड़ा उसके चेहरे पर लगा देती है। अब मैक्स पूरी तरह से विनी के कब्जे में था। फिर विनी उसके पैर में चैन बांध कर उसे उल्टा लटका देती है। इसके बाद वो एक चाकू से मैक्स की गर्दन अलग कर देती है, जिसके बाद मैक्स तड़प तड़प कर मर जाता है। दूसरी तरफ मैरी और उसके दोस्त विल के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें रीटा की चीख सुनाई देती है। चीख सुनने के बाद सभी लोग घर के बाहर आ जाते हैं और स्टोर के बाहर उन्हें रीटा मिल जाती है। रीटा काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और उसके हाथों पर खून भी लगा हुआ था। मैरी उससे रोने की वजह पूछती है लेकिन रीटा कुछ नहीं बता पाती। इसके बाद रॉबी और मैरी स्टोर के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें मैक्स की लाश दिखाई देती है। वो दोनों बाहर आकर अपने दोस्तों को बताते हैं किसी ने मैक्स को मार दिया है। तभी दूसरी तरफ बिल एक कमरे से बाहर निकलता है। बिल को देखकर सबका शक उस पर जाता है। उन्हें लग रहा था लाइट जाने के बाद बिल ने ही मैक्स को मार दिया होगा। सभी लोग बिल को पकड़कर उससे पूछने लगते हैं लेकिन बिल उन्हें कुछ नहीं बताता। इसके बाद वो बिल को पकड़कर एक बेसमेंट में फेंक देते हैं। बेसमेंट का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद सभी लोग यहाँ से निकलकर गाड़ी की तरफ जाने का फैसला करते हैं क्योंकि अब मौसम काफ़ी ठीक हो चुका था। इन लोगों को रीटा पर भी शक हो रहा था, शायद उसने ही मैक्स को मार दिया होगा, इसलिए वो उसे एक कमरे में बंद करके घर से निकलने लगते हैं। रीटा को जिस कमरे में बंद किया था उसी कमरे में बेसमेंट का एक और दरवाज़ा था। देखते ही देखते विल दरवाज़ा तोड़कर कमरे में आने की कोशिश करने लगता है। ये सब देखकर रीटा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन कमरा बाहर से लॉक था। इसके बाद वो एक खिड़की से निकलकर छत पर आ जाती है। बारिश की वजह से छत गीली थी जिसकी वजह से रीटा खुद को संभाल नहीं पाती और फिसलकर नीचे गिरकर मर जाती है। उसे मरते हुए मैरी ने देखा था और उसकी मौत देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे एक विंडो से विनी दिखाई देती है और विनी जख्मी डेनियल का कटा हुआ सिर मैरी की तरफ फेंकती है। विनी ने डेनियल को भी मार दिया था। उसके बाद सभी को पता चल गया था मैक्स को मारने वाली विनी ही है। फिर ये लोग विनी से डरकर स्टोर में ही छुप जाते हैं। जेफ डिसाइड करता है वो विनी के साथ मुकाबला करेगा लेकिन विनी दूर से ही उस पर आग फेंकती है जिससे जेफ के साथ साथ जीना भी जलकर मर जाती है। अब सिर्फ रॉबी और मैरी ही जिंदा बचे थे और दोनों साइको बाप बेटी उन दोनों के सामने खड़े थे। फिर ये चारों लोग आपस में भिड़ जाते हैं। बिल और विनी दोनों ही साइको थे और उन्हें इंसानों का शिकार करने में मज़ा आता था। इस लड़ाई में रॉबी पीछे से आकर विनी को मार देता है जिसकी वजह से बिल गुस्से में पागल हो जाता है और रॉबी का सिर काट देता है। फिर वो मैरी को भी मारने वाला था लेकिन मैरी उसे ही मार देती है। इस कहानी में सिर्फ मैरी ही अकेली जिंदा बची थी। फिर अगली सुबह जंगल में पुलिस आ जाती है और मैरी को लेकर चली जाती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।